हेलो एवरीवन, वेलकम इन पीसीसी एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पाइथन का एक पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिकल असाइनमेंट देखेंगे, जो कि आपके ओ लेवल के एग्जाम में रिपीट हो चुका है और दोबारा रिपीट होने की पूरी संभावना है। तो चलिए देखते हैं कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है, उसका सॉल्यूशन हम किस प्रकार से करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन है राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड इंटरसेक्शन ऑफ टू एरे। आपको दो एरे में इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। अब इंटरसेक्शन क्या होता है, यहाँ एग्जाम्पल में आपको बताया हुआ है और मैंने भी पहले के वीडियो लेक्चर में आपको ये पूरी तरह से बताया हुआ है। जैसे सैंपल इनपुट दिया है, एक एरे है ARR1 जिसकी वैल्यू है 1, 3, 4, 5, 7 और एक दो नंबर एरे है ARR2 उसकी वैल्यू है 2, 3, 5 और 6। इनका इंटरसेक्शन आया है 3 और 5। कैसे आया है? इंटरसेक्शन का मतलब होता है ऐसी वैल्यू जो एरे 1 में भी हो और ऐसी वैल्यू जो एरे 2 में भी हो। जैसे 3 यहां भी है और 3 एरे नंबर 2 के अंदर भी है और 5 यहां भी है और 5 इस एरे के अंदर भी है। तो इसका इंटरसेक्शन कितना आ गया? 3 और 5 आ गया। तो आपको ऐसा ही एक प्रोग्राम क्रिएट करना है, चाहे तो आप ये वैल्यू भी यूज में ले सकते हैं। अब स्टूडेंट, यहां मैं आपको एक चीज बता दूं कि इसने बोला एरे है लेकिन नम पाई का नाम नहीं लिया है, क्योंकि एरे हम जानते हैं कि पाइथन में नम पाई से बनता है। तो आपको ये नम पाई से नहीं बनाना है, आप चाहें तो बना भी सकते हैं। क्यों? क्योंकि अपने को कहा नहीं गया है कि नम पाई से बनाना है कि नहीं बनाना। तो हम इसको सिंपल लिस्ट से भी बना सकते हैं, लिस्ट भी एक एरे ही होता है। तो आपके पास में ऑप्शन अवेलेबल है, आप किसी भी ऑप्शन का चुनाव अपनी हार्दिक इच्छा अनुसार कर सकते हैं। तो चलिए इसका एग्जाम्पल हम करके देख लेते हैं। तो मैंने दो लिस्ट यानी कि दो एरे बनाया, ARR1 उसके अंदर मैंने वैल्यू डाल दी 1, 3, 5, 6 और 7, ठीक है। एक मैंने ARR2 के नाम से बनाया, उसके अंदर मैंने वैल्यू डाल दी 5, 2, 6, 4 और 9। एक चूंकि इनको इनका इंटरसेक्शन भी अपने को स्टोर करवाना है, तो मैंने ले लिया ARR3 और उसको रख लिया मैंने कैसा ब्लैंक। फिर मैंने क्या किया, एक लूप लगाया 4 I in ARR1 if I in ARR2, देन क्या होगा ARR3 dot append I कर दीजिए और प्रिंट कर दीजिए प्रिंट इंटर सेक्शन वैल्यू इज और कॉल कर दीजिए ARR3 को, ठीक है। इसको करते हैं रन और देखते हैं इसका क्या आंसर आने वाला है। नेम ARR इज नॉट डिफाइन, हाँ ARR3 इज नॉट डिफाइन ही आएगा क्योंकि गलत लिखा है। अब देखिए स्टूडेंट, अब पहले इसको समझते हैं, 5 और 6 अपना आउटपुट आ रहा है। अब इसको तसल्ली से दिमाग को शांत रख के इसको समझते हैं। देखिए, तो हमने पहला एरे बनाया, इसमें वैल्यू डाल दी, आप यूजर से भी इनपुट ले सकते हैं। दूसरा एरे बनाया, वैल्यू डाल दी। तीसरा, चूंकि इंटरसेक्शन वैल्यू इनकी स्टोर अपने को करवानी है, जैसे कि ये वैल्यू आई है। अब हम क्या करेंगे, हम इस ये जो एरे है, फर्स्ट जो एरे है, इसकी एक वैल्यू को उठाएंगे। तो इसमें से एक एक वैल्यू किस में आएगी, आई के अंदर आएगी। तो इसकी एक वैल्यू को उठाएंगे और इस एरे की सभी वैल्यू से चेक करेंगे क्या ये वैल्यू इस एरे में है। तो इसमें से सबसे पहले क्या उठ के आया, 1। तो यहां चेक होगा इफ 1 in ARR2 है क्या, ARR2 के अंदर 1, ARR2 में क्या है, एरे 2 में क्या है, 2, 6, 4 और 9 है। क्या इसमें A है यानी कि 1 है, नहीं है।
तो ठीक है, दूसरी वैल्यू को दूसरी बार लूप चलेगा, दूसरी वैल्यू को उठाएगा, दूसरी वैल्यू क्या है, थ्री। क्या इसमें थ्री है ARR2 में? नहीं है। तो फिर तीसरी बार चलेगा, फाइव लेगा, फाइव आ गया आई में, फाइव ARR2 में है, बिल्कुल है। तो क्या कर दीजिए, अपेंड। आई में वैल्यू कितनी है? फाइव। किसमें? ARR3 में। फिर अगले के लिए चलेगा, सिक्स के लिए, क्या सिक्स है? बिल्कुल है। तो ये भी इसमें क्या हो जाएगी, अपेंड। फाइव आ गया और सिक्स आ गया। फिर वापस चलेगा सेवन के लिए, क्या सेवन ARR2 में है? नहीं है। तो ये वैल्यू, इंटरसेक्शन वैल्यू, ये तो एज इट इज प्रिंट हो जाना है। और वैल्यू अपने पास में क्या आई है, फाइव एंड सिक्स। तो ये अपनी इंटरसेक्शन वैल्यू उपलब्ध है। तो आई होप आपको ये छोटा सा प्रोग्राम था क्लियर हो गया होगा। किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप कमेंट में लिख करके अवश्य बताएं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है, तो आप इसको दोहराएं और अच्छे से प्रिपेयर करके आएं। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।